जय हिंद। सभी का आइए स्वागत है। एक बार फिर से देखते हैं, दो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं एरिया से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए। तीसरे वीडियो के अंतर्गत देखते हैं कुछ प्रश्नों को। आइए देखिए स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर एक। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा? एक बार प्रश्न ठीक से पढ़ लीजिए। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा, यह ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं। एक चित्र बनाते हैं सबसे पहले। ए बी सी डी लंबाई दी गई है 20 मीटर, इसकी चौड़ाई दी गई है 15 मीटर। लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। अब यहां देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है इसमें क्या दरी बिछानी है, पट्टी बिछानी है। आप देखते हैं कि जिस जब कभी फंक्शन होता है तो फंक्शन में जो जमीन पर जो कालीन बिछाई जाती है ग्रीन कलर की या रेड कलर की, तो वो उससे पूरी जमीन को ढक दिया जाता है। तो जो पट्टियां देखते हैं आप, वो पट्टियां किस प्रकार की होती हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे। तो जैसे माना कि ये पट्टी जैसे इतनी चौड़ाई की है, इस तरीके से एक पट्टी डाल दी, एक पट्टी डाल दी, उसकी जो चौड़ाई दी जा रही है वो चौड़ाई है कितनी, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई की है। अब इसी प्रकार की और भी पट्टियां डाली गई ऐसी, इस तरीके से सभी पूरे में पट्टियां डाल दी गई। तो पट्टियां डालने के बाद आप देख रहे होंगे कि जितना इस आयत का क्षेत्रफल होगा, जो भी दिया जा रहा है कमरा, जितना उस कमरे का क्षेत्रफल होगा ठीक उतना ही जो दरी बिछाई गई है उस दरी का क्षेत्रफल होगा, तभी तो वो उसे पूरा कवर करेगा, पूरा कवर कर लेगा। तो इसका क्षेत्रफल और इस दरी का क्षेत्रफल हमें बराबर करना है। बात समझ लीजिए कि इस तरीके से किसी को जैसे कवर्ड किया जाता है, तो कवर्ड करने पर उनके आपस के क्षेत्रफल कैसे बराबर करने हैं। इसी तरीके से आगे आपको प्रश्न मिलेंगे किससे, आयतन से संबंधित। तो आयतन से संबंधित जब प्रश्न मिलेंगे तो वो कहता है कि यहां से एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उस मिट्टी को इस मैदान पर बिछा दिया जाता है। तो जितना उस गड्ढे का आयतन होगा उतना ही उस मैदान पर आयतन होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी वहां से खोदी गई है ठीक वही मिट्टी तो वहां डाली गई है, तो जो उसका आयतन था उतना ही उसका होगा। इसी प्रकार यदि और किसी को देख ले कि जैसे एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और उस पानी भरे हुए बर्तन को दूसरे में पानी जब उड़ेन दिया जाता है तो उस पानी का जितना आयतन होगा वही वही पानी पहुंचाए उसका भी आयतन उतना ही होगा। तो इस तरीके के जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों पर ध्यान रखकर कि आपको क्षेत्रफल बराबर करना है या आपको आयतन बराबर करना है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे प्रश्न करते टाइम। तो फिलहाल तो चल रहा है आपका क्या, क्षेत्रफल से संबंधित। तो क्षेत्रफल से संबंधित इस तरीके से बिछा दी गई तो क्या आया। अब एक पॉइंट और रह गया, वो ये रह गया कि उनकी जो इकाइयां हैं,
इकाइयां समान होनी चाहिए, क्षेत्रफल तो बराबर कर देंगे। अब क्षेत्रफल बराबर करने के बाद उनकी इकाइयां समान होनी चाहिए। अब इकाइयां समान होनी चाहिए, ये दिया गया मीटर में, ये भी दिया गया मीटर में, और ये किसमें, सेंटीमीटर में। और जो लास्ट में पूछा जा रहा है उसका जो खर्च है वो खर्च कितना है, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। जब 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका खर्च है तो वो भी मीटर में। तो इसका मतलब सभी इकाइयों को कन्वर्ट करके मीटर में बना ले, मीटर में बना ले। तो जो उस पर बिछाया गया है फर्श चौड़ी दरी बिछाई गई है, तो सीधा सा है, क्या करना होगा आपको, दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल। अब दरी का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, दरी जो है वो भी कैसी है, आयताकार है, तो दरी का भी क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों एक ही प्रकार से होंगे, कि वो भी आयत की आकृति है और ये भी आयताकार आकृति है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है गुणित चौड़ाई दी है उसने 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को बना दिया मीटर में, 100 का दे दिया भाग। इधर कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 20 गुणित 15, 15 यहां से लंबाई का मान निकालिए, तो लंबाई का मान निकालने के लिए काट भी सकते हैं, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, और 3 से ये काट दिए 5 बार, जब लंबाई निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20 गुणित 5 गुणित 5, एल बराबर 25 दूनी 50 यानी 500 मीटर, ये उसकी लंबाई प्राप्त हो गई। जब लंबाई प्राप्त हो गई कितनी, 500 मीटर। अब उसका खर्च पूछा है तो खर्च कितना होगा, जो खर्च पूछा है 500 मीटर दिया है और 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका खर्च पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये खर्चा आएगा उसकी कालीन बिछाने का। आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। अब जो लोग जैसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट वालों के लिए मेथड बता दें, अरे शांत रहो, डायरेक्ट वालों के लिए मेथड क्या है कि इसका क्षेत्रफल बटे में इसका क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल किसका है, जिसका कम क्षेत्रफल है वही आएगा बटे में। तो ऊपर तो रहेगा 20 मीटर का क्या है, सेंटीमीटर बनाओ या बटे वाले को मीटर बनाओ, कोई एक काम कर लो। तो मीटर बनाने हैं तो 20 गुणित 15 बटे में 60 बटे में 100 गुणित में एल, वो क्या नाम, एल 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 की तरह कह दिया एल, क्या इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल का भाग दे दिया, तो भाग दे दिया तो यहां से निकलेगा कितना, इसकी लंबाई का भाग दे दिया, लंबाई निकल आएगी डायरेक्ट। तो लंबाई जैसे ही निकालेंगे तो इसका हल कीजिए, इसे 20 तिया 60, ये 100 का पहुंच जाएगी 15 गुणित 100 पहुंच जाएगी ऊपर बटे में 3 तिपचे 15 यानी कितना आ गया, 500 मीटर आ गया, 20 मीटर का खर्चा है और 10,000 रुपया उसका खर्चा आएगा, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है। तो टोटल जो खर्च होगा वो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर
15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? एक आयताकार पार्क, एक आयताकार इस प्रकार का पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है? 90 मीटर और चौड़ाई दी गई है 60 मीटर। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर चारों ओर इधर भी और इधर भी। इस तरीके से ये चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस 5 मीटर चौड़े रास्ते पर इसका खर्च दिया जा रहा है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। खर्चा कितना होगा इसका 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कितना होगा? इसकी जो चौड़ाई दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? 5 मीटर रास्ते की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से अंदर बचे हुए भाग का यदि क्षेत्रफल कम कर दें तो किसका क्षेत्रफल बचेगा? उस रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। हालांकि हम आपको एक सूत्र भी बताएंगे इस तरीके से कि जब बाहर हो तो क्षेत्रफल कितना आता है, जब पार्क के अंदर हो तो क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र है। तो बाहर अगर जाता है तो जुड़ते हैं प्लस, और जब अंदर ही रास्ता बनाया जाता है तो करते हैं उसे माइनस। पहले तो एक साधारण तरीके से कि सूत्र की आवश्यकता ही न पड़े और डायरेक्ट आप निकालें उसका क्षेत्रफल। तो देख रहे होंगे इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 90 मीटर है। जब 90 मीटर टोटल लंबाई है और 5 इधर चौड़ाई खत्म हो गई, 5 इधर से खत्म हो गई, तो अब यहां से जो यहां तक जो लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी? 80 मीटर बचेगी। आ गया होगा समझ में? 5 इधर से कम हुई, 5 इधर से 80 बचेगी। ऐसे ही चौड़ाई पर जाए इधर, तो चौड़ाई पर जाए तो क्या 5 इधर से कम हो गया, 5 इधर से कम हो गया, अब जो चौड़ाई बचेगी वो कितनी बचेगी? 50 मीटर। तो यहां से डायरेक्ट लिख लेते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, पूरे कमरे का क्षेत्रफल वैसे इसका क्षेत्रफल घटाना है। तो क्या है? 90 गुणित 60 माइनस 80 गुणित 50, तो 9 6 54, ये तो 5400 हो गया, 8 5 40, ये 4000 हो गया, बचा कितना? इसमें से ये घटाएंगे तो 1400 वर्ग मीटर बचा। इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1400 वर्ग मीटर। पूछा जा रहा है आपसे खर्चा, और खर्चे के लिए उसने कहा है कि प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 15 रुपया है। तो 15 चौक 60, 15 एकम 15 और 6 21, 21000 रुपये उस का टोटल जो खर्चा आएगा रोड बनाने के लिए अंदर पार्क के अंदर साइड 5 मीटर चौड़ा रोड बनाने के लिए जो खर्चा होगा, तो वो खर्चा कितना होगा? 21000 रुपया। ठीक है, आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। अब एक बात और सुन लीजिए कि जैसे जो कहना चाह रहे थे अभी उसी बात को भी हम रिपीट करते हैं कि जैसे लंबाई मान ली आपने x, चौड़ाई इसकी मान ली y और इसकी चौड़ाई मान ली z, उसकी चौड़ाई मान ली z, जितने चौड़ाई का रास्ता बनाना है उसे मान लिया z मान सकते हैं आप, d मान सकते हैं, xyz। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कितना आएगा? xy आएगा पूरे कमरे का क्षेत्रफल xy। इसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे तो कितना बनेगा? x माइनस 2z
और बाई माइनस टू जेड। क्यों? एक इधर जेड कम होगा, एक इधर जेड कम होगा, ऐसे ही एक इधर होगा एक इधर होगा। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो एक्स वाई माइनस माइनस अंदर गुणा किया इसका तो कितना आएगा एक्स वाई। हम इसलिए आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं कि यदि आपको सूत्र याद न रहे तो एक बार याद आ जाए तो कैसे निकाल भी सकते हैं उसे। इसका गुणा इसमें किया तो कितना आया माइनस के टू एक्स जेड, फिर इसका इसमें गुणा किया माइनस के टू वाई जेड, फिर इसका लास्ट वाले में किया तो क्या आएगा फोर जेड स्क्वायर ये आया। तो अंदर गुणा करेंगे एक्स वाई माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, माइनस के एक्स वाई प्लस के टू एक्स जेड प्लस के टू वाई जेड माइनस फोर जेड स्क्वायर। एक्स वाई तो एक्स वाई कट जाएंगे, इन सभी में क्या कॉमन है टू जेड कॉमन है, टू जेड कॉमन है, बचा क्या एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड। अगर आप सूत्र का इस्तेमाल करते हैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब रास्ता जब अंदर हो, अंदर हो तब क्या होगा 2z कोष्टक x प्लस y माइनस 2z, और अगर यही रास्ता बाहर हो पार्क के तो बाहर के लिए जो यहां चिन्ह इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा प्लस का चिन्ह इस्तेमाल होगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ये 2 का चक्कर आप जानते हैं इसलिए है, लंबाई लंबाई एक इधर भी है तो इधर भी रास्ता बनाया इधर भी रास्ता बनाया, डबल रास्ता है सेम तो उसकी वजह से दो आ गया, ऐसी चौड़ाई चौड़ाई में डबल बनाया तो चौड़ाई के लिए दो आ गया। तो वही लिखा है 2z कोष्टक x प्लस वाई माइनस 2z। अगर ये पार्क के बाहर रास्ता होगा, आयताकार पार्क के बाहर यदि रास्ता बनाया गया है तो क्या होगा 2z कोष्टक x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक, आइए मिटा देते हैं इसे, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो एक जैसे वर्ग की आकृति तैयार कर ली, वर्ग बना हुआ है, और इस वर्ग की भुजा न देकर उसने दिया क्या है विकर्ण की लंबाई दे दी 6 मीटर। विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जिन स्टूडेंटों को विकर्ण के रूप में वर्ग का क्षेत्रफल पता नहीं है लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा के रूप में, भुजा से जब विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण कितना होता है a√2। विकर्ण वर्ग के विकर्ण की लंबाई यदि वर्ग की भुजा प्रत्येक ए ए ए और ए हो तो उसके विकर्ण की लंबाई a√2 होती है। अगर इतना जानते हो तो ठीक है, अगर ये भी नहीं जानते हो तो क्या है इस त्रिभुज की ए और ए इसमें पूरे में लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? ये कोण निश्चित रूप से कितने का है 90 डिग्री का है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे a वर्ग धन a वर्ग बराबर 6 का वर्ग, तो इधर क्या बन जाएंगे 2a वर्ग बराबर 36, तो a वर्ग का मान कितना आ गया 36/2, तो a का मान कितना आ गया 6/√2। इस तरीके से कवर कर सकते हैं उसकी भुजा तुरंत। और जब डायरेक्ट ही जानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण के रूप में दिया जाता है तो 1/2 और आगे आता है और क्या आता है विकर्ण का वर्ग,
एक बटे दो कोष्टक छह का वर्ग एक बटे दो गुणित छत्तीस कितने बार कट जाएंगे, 18 बार, यानी आ गया 18 वर्ग मीटर। उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 18 वर्ग मीटर। आसान था प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग वाले में जो बिकट दिया हो तो दो का भाग, भुजा दी हो तो डायरेक्ट भुजा वर्ग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं उसमें होना चाहिए उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर, यानी लंबाई में भी 20% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि। तो जब आयत होगा तो लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो वहां दो बार कहा जाता है, यहां वर्ग है तो एक ही बार कह दिया प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि, तो यहां भी वृद्धि हुई, यहां भी वृद्धि हुई। तो शॉर्टकट तरीका अपनाइए, तो क्या पूछा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, तो 20% की वृद्धि हुई, 120/100 गुणित 120/100 और गुणित 100, दो तो कट जाएंगे, ये दो बिंदियां कट गई, कितना आया 144%। 144% जब ये आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्रफल आया ये टोटल आया है, टोटल आया कितना 144%, टोटल आया 144%, तो इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि एक्स्ट्रा कितने है, 44% की वृद्धि हुई। 100 से ज्यादा कितने हैं, उतनी वृद्धि हुई, या 100 से कम कितने हैं, उतनी कमी होगी। एक और है, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई आए तो चाहे वर्ग हो चाहे और कोई, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई के मान समान हो या वृद्धि और कमी समान रूप से हो, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कौन सा सूत्र, x स्क्वायर बटे में 100 इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो क्या होगा, बीस प्रतिशत की दोनों वृद्धियां हैं तो क्या है, जैसे सूत्र क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, तो प्लस प्रयोग होगा कि वृद्धि हुई है 20, फिर प्लस प्रयोग होगा वृद्धि हुई है, और प्लस प्लस ही रहता है, 20 गुणित 20 बटे में 100, दो बिंदियां तो कट जाएंगी, कितना आया 20 प्लस 20 प्लस 4, यानी आंसर कितना आएगा, 44% की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका क्या है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। क्वेश्चन देख लीजिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। लंबाई में 5% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी,
तो वही शॉर्ट तरीका अपनाइए, इसमें 5% की वृद्धि हुई तो क्या लिख सकते हैं 105/100, इसमें कमी हुई 10% की क्या लिख सकते हैं 90/100, और 100 आते हैं किसके लिए, परसेंटेज का जवाब निकालने के लिए। तो दो एक बिंदी कट गई, अब इनसे ये काट सकते हैं या छोड़िए, अभी 10 का भाग देना बाकी है, तो 9 × 5 = 45, 9 × 9 = कितना 10, कितना आएगा 94.5%। तो आप देख रहे हैं कितने परसेंट की कमी हुई है, 100 से कितने कम आ गए हैं, 100 से कम हो गए हैं 5.5%, तो कमी होगी वो कितने की कमी होगी 5.5% की। तो यहां जब इस तरीके से किसी मेथड को आप अपना रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि 100 का जो चक्कर है प्रश्न गलत ना हो जाए, ना उतना ही वो ऑप्शन में जरूर रखा होगा और गलती ना हो जाए किसी तरीके से। और या फिर सूत्र लगाइए ±x + -y + -xy/100, ये सूत्र लगाओगे तो जवाब एक्यूरेट निकलेगा, जो भी आना है, वृद्धि आनी है तो प्लस का आएगा और कमी आएगी तो किसका, माइनस का आएगा, तो वहां से तुरंत डिसाइड कर लेंगे। या फिर इस तरीके से जब सॉर्ट करते हैं, लेकिन एक और इसमें सुविधा है, वो सुविधा हम आपको बता दे रहे हैं। अभी जैसे 2 का काम चल रहा है, जब 2 का काम चल रहा है तब तो आपको ये लगता है कि वो ±x + -y + -xy/100 वाला प्रश्न सरल है, और यही प्रश्न कहीं 3 प्रकार का कर दिया जाए, जैसे आयतन के लिए कर दिया जाए तो आयतन में क्या 3 बार आप इस प्रकार से लिखेंगे, 3 प्रकार से लिखने के काट दिया सिंपल तरीके से, ऐसे जैसे इसे निकाला वैसे ही ठीक उसे निकाला। लेकिन वहां जब इस सूत्र पर जाएंगे ±x + -y + -xy/100, तो ये वहां काम नहीं करेगा, क्यों, ये 2 के लिए है और वो कितने के लिए पूछ रहा है, 3 के लिए। तो यह तब क्या करोगे, तब इसी प्रश्न को या तो 2 बार यूज कीजिए उस सूत्र को, क्यों, एक बार लगाने के बाद जो आएगा फिर उसे उसके साथ तीसरे के साथ फिर से यूज कीजिए, तब आंसर प्राप्त होगा। तो इस वजह से इसे जब सीख लेते हैं तो चाहे सिंगल भुजा में परिवर्तन हो, चाहे उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, चाहे उसके आयतन में परिवर्तन हो, ये हमेशा एक ही तरह से कार्य करता है, इसलिए ये वाला सॉलिड रहता है। और वहाँ सिंगल वाले के लिए कुछ और होगा, डबल वाले के लिए कुछ और होगा, और ट्रिपल वाले के लिए कुछ और होगा, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा विचार करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सरल पड़ेगा, बस 100 का अंतर समझ लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसे भी ठीक इसी प्रकार से बहुत जल्दी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि और एक में क्या हो रहा है 10% की कमी, क्या लिखेंगे आप 110/100, एक और क्या लिखेंगे 90/100, और 100 अपनी तरफ से दो बिंदियां कट गई, दो बिंदी कट गई, कितना आया 99%। 99% का मतलब क्या निकला, 1% की कमी, और ये रहा आंसर। ठीक, देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। एक आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में लंबाई में 50% की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। चित्र बनाए बनाया ना, चाहे बना ले, 50% की कमी कर वो 50% की कमी कर दी जाती है और 80% की वृद्धि कर दी जाती है, निकालेंगे इसे 50% कम कर दिया तो क्या बचा 50/100, 80% की वृद्धि कर दी क्या आया 180/100, और गुणित 100, 100 से 100 कट गए, दो बिंदियां कैंसिल हो गई,
कितना आया 90%, मतलब आंसर आपको मिल गया 10% की कमी होगी और ये रहा आंसर। 90 ही तो आया, जब 90 आया तो क्या होगा 10% की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है फिर से इसी प्रकार का, विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक तौलिया में व्यंजन के उपरांत, व्यंजन मतलब उसे धुला गया किसी पाउडर के द्वारा, तो जब पाउडर के द्वारा धुला गया, धुलने पर क्या हुआ, लंबाई में 20% की कमी हुई और चौड़ाई में 10% की कमी हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ कितना आएगा 80/100, यहाँ कितना आएगा 90/100 गुणे 100 अपनी तरफ से परसेंटेज निकालने के लिए, 100 कट गए, दो बिंदियाँ कट गई, कितना आया 72%, मतलब स्पष्ट है 28% की कमी होगी और ये रहा आंसर। आ गया होगा समझ में, ठीक है, सरल जवाब है इसीलिए जल्दी से किए जा रहे हैं। इसका बेसिक हम आपको दे चुके हैं कि किस तरीके से क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी निकालते हैं। एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में कराया था वो लॉन्ग तरीके से कराया था कि पहले क्षेत्रफल निकालिए, फिर वृद्धि और कमी के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई निकालिए, तब उसका क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद लास्ट टाइम तब उसमें से घटाइए कितना परिवर्तन होगा, ये पता लगेगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक आयताकार खेत के केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक आयताकार खेत की लंबाई में केवल वृद्धि करने से, लंबाई में केवल वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है 150/100 और यहाँ कुछ नहीं, न वृद्धि हुई न कमी हुई, तो 100/100 गुणे 100, कुछ करना नहीं है आपको, कितना आया 150% ही रहेगा, मतलब 50% की ही वृद्धि होगी। अगर लंबाई में केवल लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो जितनी उसमें वृद्धि या कमी की गई है उतनी ही ठीक क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। एक और देख लेते हैं प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमित 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमित में, लंबाई तथा परिमित में, लंबाई और परिमित लिख देते हैं, लंबाई और परिमित में 5:16 का अनुपात है, 5:16 का अनुपात है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। आप देख रहे हैं परिमाप टोटल कितनी है 16, जब परिमाप टोटल 16 है और लंबाई कितनी है 5, तो लंबाई ये 5 है तो ये भी 5 होगी और 16 होने के लिए बचे कितने 3 और 3, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, अर्थात जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा वो कितना होगा 5:3 आंसर, ठीक है। आ गया होगा सभी लोगों के समझ में निश्चित रूप से, ठीक है, मिलेंगे हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।